हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की मदद से आप कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और ये आपको एक वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाएगा और यहाँ तक कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप रजिस्टर करेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए, तो आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालिए जिस पर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। दोस्तों, रजिस्टर करने के लिए आपको माय एयरटेल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो दोस्तों यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ से जो जिस नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब एंटर करने के बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो भी ओटीपी नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आया है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी नंबर डालने के बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्किप करके गेट पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो अकाउंट है यहाँ से पूरा तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपका बैलेंस क्या है, वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ तक रिचार्ज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद में लास्ट नेम और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं और पिन कोड, और यहाँ पे आपको जो देखिए सेलेक्ट आईडी प्रूफ, यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे पास अभी आधार कार्ड, में आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप आधार कार्ड के नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर दिखाई देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिखाई देगा, तो इसको चेक इन करना है आपको। चेक इन करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आप रजिस्टर हो जाओगे और वहाँ से आपको पिन नंबर सेट करने के लिए कहेगा, जो आपको 4 डिजिट का पिन नंबर सेट करना है। दोस्तों, मैंने पहले से ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर रजिस्टर कर रखा है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये है दोस्तों मेरा वो अकाउंट जिस पर मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको मेरा सारा बैलेंस जो भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो आपको मैंने हाइड कर दिया है, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। इसके बाद में दोस्तों, आपको एटीएम कार्ड कैसे मिलेगा वो भी जान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद में यहाँ पे एक तरफ आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन कार्ड का, और यहाँ पे अपडेट केवाईसी के लिए कह रहा है। अगर दोस्तों आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके केवाईसी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन कार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने पिन नंबर सेट किया था 4 डिजिट का, वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपने नहीं सेट किया तो दोस्तों यहाँ से कोड MPIN पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड दोबारा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर आया होगा, यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर आया, मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने OTP नंबर डाल दिया है दोस्तों, यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे नया पासवर्ड बनाना है अपन को, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे कि मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अपना सक्सेसफुली पासवर्ड हो चुका है। अब यहाँ से मैं अपना वही पासवर्ड यहाँ पर डाल के अपना ऑनलाइन कार्ड चेक कर सकता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ऑनलाइन कार्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं, यानी कि आपको एक फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, एक वर्चुअल एटीएम कार्ड मिलेगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने किसी भी वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं इस कार्ड की मदद से। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में पैसे ऐड करने के लिए आप किसी भी शॉप पर जा सकते हैं या फिर आपके पास में कोई एयरटेल स्टोर है तो वहाँ पर जाकर भी आप अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।